आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने गोरखपुर जोन के एडीजी के एस प्रताप बस्ती रेंज के आईजीआर के भारद्वाज सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के साथ भारत नेपाल की खुली सीमा का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी का जायजा लिया। भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़ का बॉर्डर पर एसडी गोरखपुर के एस प्रताप कुमार, आईजीआर के भारद्वाज जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, पुलिस कप्तान प्राची सिंह, एसएसबी के उच्च अधिकारी अलीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे और एसएसबी और पुलिस के जवानों के साथ भारत नेपाल सीमा का भ्रमण करते हुए बारीकी से सुरक्षा व्यवस्था को देखा। वैसे सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। आज का ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग एसएसबी के साथ सिद्धार्थनगर पुलिस हम सब लोगों द्वारा किया गया है। यहाँ बॉर्डर में सतर्कता बढ़ाने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए यह जॉइंट पेट्रोलिंग की कार्यक्रम किया गया है। कुछ दिनों पहले से ही होटल ढाबों की चेकिंग, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन में चेकिंग, असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण करने के लिए यह चेकिंग और सत्यापन कराया जा रहा है। जनवरी 22 का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए यह सब सुरक्षा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। हमारे द्वारा, हमारे फोर्स द्वारा पूर्ण समर्पण की भावना से यह कार्य किया जा रहा है। नेपाल पुलिस से भी, उनका भी सहयोग लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है, अभी उस तरफ आर्म्ड पुलिस ऑफ नेपाल एवं नेपाल प्रहरी के अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई है। उनकी सहयोग के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि अगर कोई असामाजिक तत्व या विघ्न बाधा करने वाले तत्व उनके नज़र में आते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो सूचित करेंगे, तत्पश्चात हम पर उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। मुख्य उद्देश्य सिद्धार्थनगर पुलिस का है कि हम असामाजिक तत्वों को किसी भी प्रकार का विघ्न डालने में हम उनको सफल होने नहीं देंगे और सुरक्षा का हाई अलर्ट में हम सब लोग यहां कार्य कर रहे हैं। 67 किलोमीटर की खुली सीमा है, कैसे इसको कर पाएंगे? जॉइंट पेट्रोलिंग की योजना चलाई जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं, ऑपरेशन कवच का उद्घाटन हो गया है पूर्व में ही, जिसमें हर एक गांव में जो बॉर्डर में है ग्राम सुरक्षा समितियां बनी हुई हैं, जिसमें वहां के ग्राम प्रधान और ग्राम के कुछ अधिकारी और वहां के चौकीदार के सहित वहां के नागरिक भी शामिल है। इस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से निश्चित रूप से हमको बड़ी सफलता मिल रही है, क्योंकि जब पुलिसिंग में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो जाता है तो असामाजिक तत्व या आपराधिक तत्वों पर आसानी से काबू करने में हमको सफलता मिलती है। यह ग्राम सुरक्षा समितियां ऑपरेशन कवच के तहत बहुत अच्छा काम कर रही है, इसी से हमको सफलता मिलेगी। थैंक यू।